زمنده هوای قوا او مینا زما ډیر زیات خوښ شو मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इंडिया की जीत पर, क्योंकि जब हम उनके मैचेस देखते हैं हमें एफर्ट नजर आती है। वो अपनी कौम के लिए खेलते हैं, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। कोहली ने बता दिया कि भाई क्रिकेट का बाप है कोहली, जिंदा है अभी, क्योंकि छोटे छोटे मैच में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोई फाइनल में आ चल गया, आपने शर्ट किसकी पहनी हुई है? बैक करके दिखाई जरा, यार बैक करके दिखाई जरा, बैक कोहली की शर्ट पहनी हुई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है साउथ अफ्रीका को हराकर, और इसका जश्न जो है ना भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। क्या कनाडा, क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, फ्रांस, USA और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब जगह पर इसका जश्न मनाया जा रहा है। तो वीडियो मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्या, ये लेके बता दिया इंडिया इंडिया, बस खत्म हो गया इंडिया इंडिया। वलीद क्या कहेंगे, आज T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया ने अपने नाम कर ली है। एक भी मैच नहीं हारा इंडिया, एक भी इंडिया मैच नहीं हारा। इंडिया ने जो रोहित शर्मा अपनी कौम से जो वादे करके आया था वो पूरे किए हैं भाई। हिस्ट्री याद रखेगी रोहित शर्मा की, वो मेहनत को याद रखेगी जो उसने कुर्बानी दी है। जो सेमीफाइनल के अंदर रोहित शर्मा रोया था उसका बदला साउथ अफ्रीका से लेने था भाई। साउथ अफ्रीका 10 भी पारियां ले लेती तो भी इंडिया को नहीं हरा सकती भाई। इंडिया से जितनी बड़ी टीम बनी हुई है इंडिया को कोई नहीं हरा सकता यार। इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज बहुत जबरदस्त जा रही है यार। क्यों नहीं जश्न मना रहे हो यार तुम लोग? इंडिया ने प्रूव किया वो नंबर वन टीम है, नंबर वन बॉलिंग उनके पास है, नंबर वन बैटिंग इंडिया के पास है यार। इंडिया ने तकदीर के इस फॉर्म से निकला नहीं जा सकता, इंडिया ने जीतना ही था भाई। ये तकदीर में लिखा होता है कि इंडिया मैच जीतेगी। इंडिया तकदीर में लिखवा के आया था कि भाई मेरी ये ट्रॉफी है आपके सामने जितवा गया भाई। रोहित शर्मा जब 10 में से 10 की सीख नहीं लगा मेरी बात सुन रहे। आज रोहित शर्मा ने इस तरह झटके बजवाए ऑस्ट्रेलिया के आगे, इंग्लैंड के आगे, हर टीम के आगे। मैं कहता हूँ अनबीटेबल, ऐसी सीख, ऐसी पिच भी मिल जाए ना, हमको ऐसी प्लेन पिच भी मिल जाए, कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता इंडिया से। अगर इतनी प्लेन पिच भी मिल जाती ना अफ्रीका को, देखे फिर भी नहीं जीत सकते थे। बिल्कुल, आज बैंड बज गया सारी टीमों का। आज इंडिया ने मुंह काला कर दिया, बता दिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कैसे लेके जाते हैं। और वाकई रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर आज इंडिया जीत गया, ये टाइटल इंडिया ने अपने नाम पे कर लिया। उसने बता दिया कि T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किस तरह खींचते हैं। 2007 में खींची थी, आज इंडिया ने 2024 के अंदर यह ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। सारी टीमें, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, सालों को बाहर फेंका पकड़ के, पाकिस्तान को भी बाहर फेंक दिया। इंडिया ने जीत लिया ये T20 वर्ल्ड कप का टाइटल, और वाकई ही इस टाइम T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी जॉइंट और सबसे लीथल टीम, सबसे लीथल बॉलिंग, सबसे लीथल बैटिंग सिर्फ इंडिया ने की है। यह साउथ अफ्रीका भी फिर से चौक कर गई है। पाकिस्तानी में खड़े होके आप कह रहे हैं इंडिया इंडिया, आपको इंडिया जाने का शौक है, आप क्या कर रहे हैं? मैच जीत गया और जीत गया, मैच ही जीत गया, कुछ नया तो कर दिया। पाकिस्तानी टीम ने आपको कितनी खुशियां दी है यार। केड़ा कोहली 0 से आउट हो रहा है, इंडियन गद्दार है ये, पाकिस्तानी नहीं है ये। आई हेट यू।
इंडिया जीत गया, बाकी इंडिया ने बता दिया ब्रांड ब्रांड ऑफ विराट कोहली एक हमारा कप्तान देख लो कुछ भी नहीं करता, बैंडरी करती, बाकी टीम भी तो करनी चाहिए। कब तक ब्लेम इनके ग्रुप बने हुए हैं ना, ग्रुप बने हुए बारे में क्या कहोगे यार। पर्चियां पर्चियां इंडिया ने बता दिया कि ये सारों का बाप है, पूरी क्रिकेट टीम का बाप है, जो मर्जी आ जाए इंडिया के आगे सारों का बाप है, कोई नहीं जीत सकता। भाई आप क्या कहोगे, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया ने इतने सालों के बाद अपने नाम कर ली है। अगर हम इस T20 वर्ल्ड कप की बात करें, इंडिया ने वार्म अप मैचेस से अपनी जीत का आगाज किया और आज T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर उन्होंने अपनी जीत का इत्तमाम किया है। इंडिया ने लगातार हर मैच अपने नाम किया, छोटी बड़ी टीमों को हरा कर इंडिया ने जो है फाइनल जीत लिया। क्या कहना चाहेंगे? ब्रांड इंडिया की ब्रांड, हमारी टीम कोई टीम नहीं है, हमारी टीम में ग्रुप बने हुए हैं, वो कहते इधर को जाना, वो कहते इधर को नहीं जाना। इनका कोई समझ नहीं आ रही, ये लोगों को रुलाते हैं, इनने कोई मैच नहीं अच्छा खेला। अक्षर पटेल मारता गया, नहीं रुका, विराट कोहली ने जो 50 किया, सारे पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, विराट कोहली का चल गया है। भाई विराट कोहली ने बता दिया बल्ला कैसे चलाते हैं, बड़े मैच के अंदर कैसे परफॉर्म करती है। आज परफॉर्म किया, बता दिया कि मैं बिग मैच प्लेयर हूं। यार विराट कोहली है बिग मैच प्लेयर, आज साउथ अफ्रीका के फाइनल के अंदर जो विराट कोहली ने मारा, अक्षर पटेल ने मारा, यार वर्ल्ड कप लेने वाला विराट कोहली है, रोहित शर्मा है। जैसे इन्होंने 8x8 की स्ट्रीक लगाई है, T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ी इनिंग सिर्फ इंडिया ही लेके आ सकता, किसी का बाप नहीं लेके आ सकता। शर्ट आपने किसके पहनी, इंडिया की शर्ट कोहली यार, बिग फैन कोहली का हूँ यार, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं यार। सर देख रहे 7 साल के बाद साउथ एशिया की रीजन के अंदर फाइनली ट्रॉफी आ ही गई, और यार भाई डिजर्व करते थे इंडिया, 8 की स्ट्रीक वर्ल्ड कप में, 10 की स्ट्रीक वो T20 वर्ल्ड कप में, 8 की स्ट्रीक भाई उधर दूसरों के घर जाके मार के उनको ट्रॉफी अपने घर में लेके आए, ये होता है एशिया टीम, ये होती है भारत टीम। आज उन्होंने टीम भाई, आज उन्होंने सऊदी अफ्रीका की दौड़े लगवानी है, वो लग चुकी है, घर ही चले गए, घर चले गए हैं भाई जान का, वर्ल्ड कप इंडिया का, ये पागल बच्चे हैं छोटे से जो खेलने आ जाते हैं। और भाई जो भी है यार, आज जिस तरह की उम्दा बैटिंग इंडिया ने किया, विराट कोहली ने किया ना, आज मजा आ गया। जिस तरह के ऊपर से बॉलिंग किया बुमराह ने, जिस तरह के स्पेल किया यार, इतना मजा आ गया यार। आपकी सोच होगी यार, इस तरह की यकीन माने ऐसी बॉलिंग मिलती थी 90s में जाके, अब आके जो इंडिया बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, वाकई उम्दा बैटिंग यार, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया। और सबसे बड़ा हैट सल्यूट ऑफ रोहित शर्मा यार, जितने कमाल की फाइनली जीत ही गया वर्ल्ड कप भाई, उसको डिजर्व करता है बेचारे ने सेमीफाइनल में, हालांकि उसको पता है कि मैं फाइनल में चला, फिर भी वो बेचारा रो रहा है कि यार मैं फिर भी ट्रॉफी लेके जाऊं। और यही प्लेयर होते हैं, यही जज्बा होता है जो अपने घर में ट्रॉफी लेके गए हैं यार। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो की शुरुआत में और वीडियो के बीच में आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन भी देखा, साथ में आपने छोटी छोटी जो वीडियो क्लिप है जहाँ दुनिया भर के अंदर जो जश्न मनाया जा रहा है भारत की जीत का, वो भी आपने देखा है। तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करना, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।